नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका प्रकाश टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्माइल चौधरी और वक्त हो चला आज की कुछ अहम खबरों का। इंतजार खत्म, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया भारत में अगले महीने से आ सकती है बच्चों की कोविड वैक्सीन। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की इमारत में भी दिखा ड्रोन, जम्मू एयरबेस पर अटैक के बाद बड़ी चिंता। दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी बुधवार को करेगी एनसीपी के चीफ शरद पवार से मुलाकात। चंडीगढ़ में गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग को म्यूजियम बनाएगी वायुसेना, केरल की तर्ज पर होगी निर्माण। पहचान को नुकसान, गूगल पर चंडीगढ़ के प्रसिद्ध मड़का चौक का नाम दिखा बाबा लाभ सिंह चौक, आपत्ति के बाद सुधारी गलती। लुधियाना में डॉक्टरों की हड़ताल जारी, छठे वेतन आयोग में एनपीए में कटौती करने से नाराज है चिकित्सक। मरीज तो चेक कर रहे मगर सर्जरी नहीं होगी। अब सिद्धू को धर्मसोत ने दी सीख, पंजाब में अब भी कैप्टन की कप्तानी, उनकी क्षमता के बारे में गलतफहमी ना पाले। हरियाणा के हाईकोर्ट ने 9 नए अधिकारियों का किया तबादला, 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। पत्रकारों को मिलेगा कैशलेस बीमा योजना का लाभ, महाराजा अग्रसेन के नाम पर होगा हिसार एयरपोर्ट। मंडी मध्यस्थता योजना में 5 से 35 रुपए तक कम हुआ सेब ढुलाई की दरें। हिमाचल के गुम्मा में के पास मंडी पठानकोट एनएच बंद, हड़ोमी मंदिर के पास भूस्खलन। दिल्ली में बारिश का असर, जल भराव के संकेत, मेट्रो स्टेशन बंद, एंट्री और एग्जिट पर रोक। केजरीवाल बोले दिल्ली सरकार इस बार पद्मश्री पुरस्कार के लिए भेजेगी केवल स्वास्थ्य कर्मियों के नाम, जनता करेगी चुनाव। आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही कुछ अहम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए अर्थ प्रकाश टीवी के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।